देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री को कल इस विषय पर चिट्ठी भी हमने लिखा है, और ज़रूरत पड़ने पर एक महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो हैं सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावक है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है लोगों की, गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। क्राइम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कीजिए, आपकी जवाबदेही है। और आप देखिएगा, दिन प्रतिदिन अभी वकील की, एक हाजीपुर में एक वकील की हत्या हो गई है, और लगातार पुलिस प्रशासन भी डीजीपी हाथ खड़े कर रहे हैं। वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 19 में ज़्यादा था, अब कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, तो इस तरह का बयानबाजी अगर हो रहा है, डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, तो आप राज्य की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या, किस दौर से बिहार जो है वो गुजर रहा है। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है उनके परिजनों से, और अब तक देखिए कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, कोई एक अहम सुराग तक नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं राजधानी पटना की जो घटना, जो केवल मात्र 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से 9 मिनट के रास्ते के भीतर ऐसी बड़ी घटना होती है और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और पुलिस प्रशासन किन कामों में लगा हुआ है ये बाकायदा पूरे बिहार की जनता जानती है। ये मुकेश सहनी नाराज हो गए एनडीए से, बोलते हैं मुझे 6 साल वाला टर्म चाहिए, मैं 40 में धोखा बता रहा हूँ, धोखा बता रहा हूँ, खरवास खत्म हो गया है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, जो लोग चोर दरवाजे से जो सरकार बनाए हैं, यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराध बढ़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, ना संघर्ष करना है, ना जनता के बीच रहना है, ना दुख सुख में भागीदार रहना है, केवल अपना ही अपना लालच की जो है वो पूर्ति करनी है। और हमने तो पहले भी कहा, ये बिहार के लिए अभिशाप के रूप में है ये जो आपका गठबंधन जो है एनडीए।